आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ बीएल पांडे। अभी हम मौजूद हैं मथुरा के हृदय स्थली होली गेट पे और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक मुद्दा जिसको लेके आज मथुरा वृंदावन की गली हर गली चर्चित है और उस मुद्दे को लेके काफी विरोध भी हो रहा है लोगों के द्वारा। उसको लेके आज हम कुछ सम्माननीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हिंदू महासभा से प्रवक्ता हैं संजय हरियाणा जी, कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं दिनेश कौशिक जी, वही पवन गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं और ताराचंद गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अन्य इत्यादि लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से वृंदावन बांके बिहारी मंदिर को शासन के द्वारा कॉरिडोर बनाने का जो प्रस्ताव पास किया गया है और लगातार अधिकारियों के द्वारा विजिट पे विजिट वहाँ की जा रही है और देखा जा रहा है कि वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो अपनी रोजी रोटी वहाँ चला रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कॉरिडोर तो बहाना है और वृद्ध गलियों को मिटाना है। उसको लेके आज आइए चर्चा करते हैं। संजय हरियाणा जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सरकार के द्वारा कॉरिडोर का जो फैसला लिया गया उसको लेके आप क्या कहते हैं? सरकार का कॉरिडोर बनाने का फैसला बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी बसी बसाई बस्ती को उजाड़ देना। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक महिला कह रही है कि मेरे परिवार में 12 लोग हैं, 12 पुड़िया बना के मुझे दे दे, मैं जहर खा लूंगी। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कॉरिडोर बना के? मैं तो सरकार से ही ये पूछना चाहता हूँ, क्या छोटे मंदिर की व्यवस्था नहीं की जा सकती? 11 गलियां हैं, उन 11 गलियों के एंट्रेंस पे आप भीड़ को रोकिए। सरकार क्या करती है, भीड़ को मंदिर में रोकने का प्रयास कर रही है। आप उसको पहले रोक देंगे तो भीड़ होगी ही नहीं, और निश्चित तौर पर सरकार को यही कदम उठाया जाना चाहिए कि भीड़ को रोकने का प्रयास उनको पूर्व में जहां एंट्रेंस की जगह है वहां पर करना चाहिए। ये थे संजय हरियाणा जी। अभी हमारे साथ दिनेश कौशिक जी मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं जी, जिस तरीके से गवर्नमेंट का एक फैसला आया है कॉरिडोर बनाने को लेके, उसको लेके क्या कहना? देखिए, जो गवर्नमेंट का फैसला है कॉरिडोर बनाने का, तो हम तो गवर्नमेंट से यही मांग करेंगे कि वहाँ के ब्रजवासियों की और वहाँ के जो रहने वाले गुसाई हैं, वहाँ के जो सेवायत हैं, उनका अहित ना हो। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं बेचारे वहाँ के, न जाने कैसे कैसे उन्होंने अपना मकान बनाया है, और सरकार यदि चौगुना उनको मुआवजा दे तब बनिए वो दूसरी जगह मकान बना सकते हैं। किसी ब्रजवासी का अहित ना हो, और वहाँ जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें खरीदी हैं और दुकान टूट जाएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यदि किसी का अहित होगा तो हमको भी कष्ट होगा, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, अगर बात की जाए दर्शनार्थियों की और पूरे देश की, तो देश में बड़ी सराहना की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है वो बहुत बढ़िया है, और आप कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो लोकल स्थानीय निवासी हैं उनका आहित किया जा रहा है, उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा। देखिए, सरकार ने विचार किया था उस समय जो घटना हुई थी, कुछ लोग मारे गए थे उसमें, तो सरकार ने इसमें कॉरिडोर बनाने का विचार किया और ये मामला कोर्ट में भी गया था माननीय उच्च न्यायालय में, तो वहाँ से भी शायद उसमें कोई आदेश आया है। तो हम तो यही कहेंगे कि वहाँ के रहने वालों का अहित ना हो, आप कुछ भी बनाओ लेकिन किसी का अहित होगा तो सभी ब्रजवासियों को कष्ट होगा, क्योंकि किसी का रोजगार छिनेगा तो हम लोगों को कष्ट होगा, हिंदू महासभा फिर उसमें आंदोलन करेगी। हम तो ये चाहते हैं कि किसी को कष्ट ना हो, आप शासन प्रशासन अपने हिसाब से उनको बात करें, और किसी का अहित होगा तो उसमें हिंदू महासभा आंदोलन करेगी। संजय जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार का जो फैसला है वो बेहद ही गलत है, जिस तरीके से आपने कहा, ऐसा आपको क्यों लगता है कि क्यों गलत है? अगर बात की जाए वहाँ पे भीड़ की, अभी नई साल गई है, 10 लाख लोग का अनुमान था वृंदावन आने पर, भीड़ भी देखी गई थी, तो जिस तरीके से वहाँ पे गलियाँ हैं कुंज गलियाँ, तो उस तरीके से भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाती। सरकार ने यह फैसला लिया कि भाई इसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से काशी विश्वनाथ बनाया गया उस तरीके से बांके बिहारी मंदिर को बना दिया जाए, मगर आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों लगता है? देखिए, सरकार दो तरह की गलतियां कर रही है। पहला तो जब अभी आपको मालूम होगा 20 जनवरी की तारीख कोर्ट में नियत है, तो इतनी जल्दी उनको क्या हो रहा है कि वो कॉरिडोर की घोषणा करते हैं, मुआवजे की करते हैं और नपाई तुलाई लाल रंग लगा दिए निशान, लोगों में दहशत का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? जब बिहारी जी को 7 बार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मंदिरों में स्थापित पूर्व में किया जा रहा है, अगर ऐसा ही है तो आप बिहारी जी की बहुत सी जमीनें स्थित हैं, बिहारी पुरा से निकाल के बिहारी बगीचा है, आप वहाँ उनको शिफ्ट कर दें, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी की रोजी रोटी, किसी पे इतना पैसा ही नहीं होगा कि वह दूसरी जगह बना ले।
सारे गुसाइयों के मकान इतने बड़े नहीं है, सारे गुसाई एक से नहीं है, सारे दुकानदार एक से नहीं है। हर आदमी को एक कैपेसिटी में तोलना निश्चित तौर से सरकार का कदम गलत है। अखिल भारत हिंदू महासभा 20 तारीख को देख रही है, 20 तारीख से कोर्ट के जजमेंट के पश्चात निश्चित तौर से अगर गुसाई लोग और दुकानदारों के फेवर में ये जजमेंट नहीं आता है तो निश्चित रूप से अखिल भारत हिंदू महासभा सारे गोस्वामी बंधुओं को साथ लेकर धरने पे बैठेगी और भूख हड़ताल करेगी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ हैं। जैसा कि कहा जा रहा है, बैनर भी लगे हुए हैं वृंदावन में कि कॉरिडोर तो बहाना है, वृद्ध गलियों को मिटाना है। तो अगर बात की जाए वृंदावन धाम की, तो वृंदावन धाम तुलसी का बन था और जिसको लेके इसका नाम वृंदावन पड़ा। तो जिस समय वो तुलसी काटी गई, वो पेड़ हटाए गए, उस समय क्यों किसी ने विरोध नहीं किया? आज ऐसा क्या हुआ कि कॉरिडोर जब बनने जा रहा है तो विरोध किया जा रहा है? देखिए, उस समय जब चारों तरफ से तोड़ने की योजना, जो बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों ने जमीनें खरीदी और उस पर फ्लैटों का निर्माण किया, लेकिन वो उसके चारों तरफ हो रहा था, आपने देखा होगा, बीच में नहीं हो रहा था। लेकिन शहर के मध्य में, वृंदावन के मध्य में कुंज गलियां, जिनको माना जाता है ये भगवान की कीड़ा स्थली रही है, भगवान ने कुंज गलियों में कीड़ा के रूप में अपनी रचनाएं रची हैं और उस माध्यम से उनकी महत्ता है, धार्मिक और पौराणिक महत्ता की सारी आप हमारी जितने भी पुराने हमारी किताबें हैं उनमें देखेंगे, इतिहास उठा के देखिए, भगवान ने गोकुल और मथुरा के मध्य में, गोकुल और वृंदावन में दोनों जगह कीड़ा स्थली के रूप में ये किया। अब उनकी जो बच गई है विरासत वो कुंज गलियां हैं। अब वो सरकार इस कॉरिडोर के माध्यम से उन कुंज गलियों के अस्तित्व को भी मिटाना चाहती है, निश्चित तौर पर यह गलत है और ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। कुछ अधिकारी चापलूसी भर पैसे को खाने की बंदरबाट करने के लिए, क्योंकि सबको 250 करोड़ रुपए दिख रहा है, 250 करोड़ बिहारी जी, और जो सरकार देगी निश्चित तौर से सबका ध्यान वहाँ है, किसी का ध्यान भीड़ पे नहीं है, किसी का ध्यान मंदिर पे नहीं है, किसी का ध्यान जनता पे नहीं है। अगर जनता पे ध्यान होता, आप ये बताइए, 1/2004 का आदेश है हाईकोर्ट का, कोई व्यक्ति ऊपर बिहारी जी मंदिर में नहीं जा सकता। मथुरा के आयुक्त, DM और SSP महोदय वीडियो बना रहे थे जब वो मरे थे, उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, उनको क्यों नहीं नौकरी से निकाला गया? मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, ऐसे तीनों अधिकारियों को तुरंत नौकरी से निकालना चाहिए था सर्वप्रथम, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, 2004 का आदेश है, आप निकलवा लो, देख लो, किसी को ऊपर जाने का आदेश नहीं है। किस कैपेसिटी में, किसकी ऐसी पावर थी, किसके आदेश से ये ऊपर गए, ये आप लोगों को भी उन तीनों से पूछना चाहिए। ये थे हमारे साथ संजय हरियाणा जी, और इन्होंने कहा सन 2004 का एक आदेश है जिसमें लिखा हुआ है कि बिहारी जी की जो ऊपर की छत है, जहाँ पे को गली वो बनी हुई है रेलिंग, उस पे कोई नहीं जा सकता। मगर जिस समय ये घटना हुई उस समय वर्तमान मथुरा के SSP और DM वहाँ मौजूद थे, क्या कारण रहे, कैसे वो ऊपर गए, क्यों उस समय जब घटना हुई उस समय वीडियो बना रहे तो उन पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अभी हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, गौतम जी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। गौतम जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी कॉरिडोर को लेकर? मेरी तो ये प्रतिक्रिया है कि देखिए, मथुरा वृंदावन की जो पहचान है कुंज गली के नाम से पहचान है, अगर ये कॉरिडोर बन गया तो कुंज गली, मेरे यहाँ आते हैं बाहर से लोग तो ये तुरंत पूछते हैं कि हमको कुंज गली घुमाओ, तो फिर हम कुंज गली कहाँ से पैदा करेंगे? योगी जी आप ध्यान दीजिए, यहाँ की जो पहचान है कुंज गली है बस। अगर बात की जाए योगी जी की, तो योगी जी के 24 से 25 दौरे अब तक मथुरा के हो चुके हैं, क्या उन्हें नहीं दिखा कि कुंज गलियां हैं, इन कुंज गलियों को नहीं मिटाना चाहिए? तो उनको ध्यान देना चाहिए ना, उनको दिमाग खराब कर रहे हैं लोग, वह उनको देखना चाहिए। मैं अब इतनी उम्र का हो गया, मेरे 60 साल की उम्र, ऐसा तो नहीं कुछ चंद लोग अपने फायदे के लिए ये सब करा रहे हैं? हाँ, यही हो रहा है, यही हो रहा है। मेरी उम्र हो गई 60 साल, मैंने बचपन से ही कुंज गली में ही घूमता रहा हूँ, आज अगर वो कुंज गली खत्म हो गई तो हम कहाँ घूमेंगे? योगी जी आपके घर आए कि मठ में आएंगे? है तो इसका काम सोच समझ कर करिए, जो भी है अपना, हमारे व्यापारियों को नुकसान ना हो, किसी को घर मत तोड़ो, घर देने की बजाय आप घर तोड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर घर नहीं टूटेंगे तो कॉरिडोर बनेगा कैसे? तो फिर कुंज गली आएगी कहाँ से? फिर घर टूट गया तो कुंज गली कहाँ से लाओगे? हम तो कुंज गली के भूखे हैं भाई, हमारे कृष्ण भगवान कुंज गलियों में कंचा गोली हमने भी खेले हैं, हमने भी हमारी गली, हमारे घर के पास भी कुंज गलियां हैं, हम भी वहीं बचपन बिताया। लोग तो कह रहे कि कॉरिडोर बन जाएगा तो आनंद आ जाएगा, जगह मिल जाएगी।
अब आनंद का है वो तो दिखा भी दिए, वो तो कैसे भी कर लो, आनंद तो वही है कुंज गली में। प्रभु हमारे साथ मौजूद है ताराचंद गोस्वामी जी, जो कि समाज सेवी हैं और काफी लोगों के लिए 24/7 घंटे खड़े रहने वाले व्यक्ति है। आइए इनसे भी बात करते हैं। ताराचंद गोस्वामी जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। जिस तरीके से कॉरिडोर की घोषणा हुई है, तभी से लगातार कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है, क्या कारण रहे, क्यों विरोध किया जा रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आपने होली गेट पर ऐसे कार्यक्रम की डिबेट कर रहे हैं जिसे आम जनता देखेगी। कॉरिडोर एक हवा बना दिया। बच्चे हम खेलते थे ना, मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, बंसी भटका, वहीं पढ़ा हूँ, वहीं रहा हूँ। जो दान गली, चोर गली, भूत गली, कैला कुंज, संभुजन कुंज, रतलाम बाली कुंज, ये कहाँ से आएंगी? ये क्या अमेरिका बनाना चाहते हैं इसको? क्या ये चंडीगढ़ बनाना चाहते हैं, गोवा बनाना चाहते हैं, विदेश बनाना चाहते हैं ये लोग? कुछ नहीं है, इनको 250 करोड़ रुपया दिख रहा है। इन्होंने रखा कितना है मार्जा? 12,000। इसका बनता कितना है? 200 करोड़। 50 करोड़ फिर भी बच रहा है। देखिए, जो हमारी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन जगह है, हम काली धय को कैसे दिखाएंगे? जैसा कि आपने कहा कि 12,000 मुआवजा रखा गया है, तो अगर आज की बात की जाए, 12,000 रुपए में व्यक्ति का कितना भला हो सकता है? 12,000 में क्या कर सकता है? कुछ नहीं है, वह 1-1 लाख रुपए गज भी दी जाए तब भी कम है। दूसरी बात, मुआवजे की बात नहीं है, बात है कि आप विद्यापीठ से लेकर जुगल घाट तक 100 फुट का चौड़ा रोड बना रहे हैं। अब उसमें 100 फुट में सारा दुकान खत्म, सारे परिवार खत्म, आखिर वो कहाँ जाएंगे? आज वहाँ पर आंदोलन हो रहा है, सारी गुसाइयों की महिलाएं मैदान में आ चुकी हैं, वहाँ पर आंदोलन कर रही हैं। उससे पूर्व 3 दिन पहले मेरा खुद अमर उजाला में फ्रंट पर छपा, कॉरिडोर आखिर कहाँ बना रहे हैं? कॉरिडोर कुछ नहीं, यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ वृंदावन को समाप्त करना चाहता है, वो नाम नहीं ले रहे उस व्यक्ति का। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, जैसा कि आपकी बातों से पता चला है, मुझे लगता है जिस तरीके से कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है, सरकार कॉरिडोर बनाने पे अड़ी हुई है। 24 से 26 दौरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पे हो चुके हैं, तो क्या उन्हें ये कुंज गलियां नहीं लगी? क्योंकि वृंदावन अगर बात की जाए किसी भी तरीके, किसी भी स्तर पे, धर्म में या टीवी पे या जो भी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो वृंदावन की गलियों का ही बखान करते हैं, तो क्या उन्हें ये नहीं देखा कि ब्रज की गलियां हैं? मुख्यमंत्री कैसे देख पाएंगे? उनके सलाहकार, उनके बताने वाले, उनके जो पिट्ठू हैं, वो बता नहीं रहे। उन्होंने आज तक 27 बार मुख्यमंत्री जी मथुरा में आ चुके हैं, लेकिन एक भी बार क्या उन्होंने मधुबन जाके देखा? क्या उन्होंने केला वाली कुंज जाके देखी? क्या उन्होंने पुराना गोविंद मंदिर देखा? क्या उन्होंने कात्यायनी देवी देखी? क्या उन्होंने ज्ञान गुदड़ी देखी? क्या उन्होंने चीरघाट देखा? सिर्फ वो तो हवाई से आए, सीधे पहुंचे, चले गए। आपको मालूम क्या है कि मथुरा या वृंदावन बस कैसे रहा है? ये तो ब्रज है। अरे ब्रज रज को सुर नर मुन तरस है, धन्य भाग जो नित प्रत परस है। जो तो धन्य भाग है, हम ब्रजवासी हैं। यहाँ तो जरासंध भी आया था, वो भी हार के चला गया। ये वो ब्रज भूमि है, ये तो लाला की भूमि है, ये तो कन्हैया की भूमि है, ये तो माखन चोर की भूमि है। ये लोग तानाशाही औरंगजेब की तरह कर रहे हैं, जैसे औरंगजेब ने किया था, धर्मस्थल को तोड़ दो। अरे भाई, आप धर्म की बात करते हैं, आप राम की बात करते हैं, आप हनुमान की बात करते हैं, लेकिन आप एक तरफ आप धरोहर को समाप्त करना चाहते हैं। ब्रज की धरोहर किसी भी कीमत पर, ब्रजवासी, वृंदावनवासी, मथुरावासी किसी कीमत पर समाप्त नहीं होने देगा। ये थी कुछ प्रमुख लोगों की राय। मैं अपने सहयोगी दीपक सारा सबके साथ, बीएल पांडे, मथुरा।